रविंद्र चौबे शामिल हुए और मछुआरा समुदाय को संबोधित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने परंपरागत मछली पालन के साथ साथ नवीन तकनीकी और बाजार की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से मछली पालन करने का सुझाव दिया और मछुआरों के हित में लाई जा रही नई मछुआरा नीति का भी जानकारी उन्होंने दी। वहीं किसान और मछुआरों की मांग पर भक्त गुहा निषादराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। मछुआरा जो है अन्य राज्यों में, अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मनाया जाता है और इसका पहले भी हम लोग प्रयास किए थे किस तरीके से मनाया जाए। जब कांग्रेस की हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बना और इस बात को हम रखे कि भाई अन्य समाज भी अपने पर्वों को, आस्था को लेकर, संगठन को लेकर ये सब आयोजन करते हैं, तो हमारा भी मछुआरा दिवस यानी शासन के माध्यम से होना चाहिए। और विगत आज ये तीसरा वर्ष है, ये हमें पहले तो हमने शहीद स्मारक भवन में किए थे, अगले साल कोरोना काल में सेम हाउस में किए थे और आज यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश स्तर मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है मछुआरों के हित में जो नए नए निर्णय ले रही है, चाहे वो मछली नीति के संबंध में हो, मछली पालन के संबंध में और मछुआरों के संबंध में जो प्राथमिकता के आधार पर उनको जो शासन की योजनाएं संचालित उनको दिलाने का जो प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आज निश्चित ही मछुआरों के आर्थिक स्थिति में प्रगति आई है और वो धीरे धीरे सक्षम होते जा रहे हैं और नई मछली नीति जो है, चाहे वो कल्चर है, अन्य जो शासन के योजना में जो समाहित और संचालित है, उनका भी परिपालन अच्छे से किया जा रहा है।